आज के दिन 14 जुलाई को इसरो ने अपना जो महत्वपूर्ण मिशन है चंद्रयान 3 वो लॉन्च कर दिया है। तो आज मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये मिशन करने क्या वाला है मून के अंदर, ठीक है। इससे पहले हमने चंद्रयान 2 वहाँ पे लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटल भी लॉन्च किया था उसके साथ। ऑर्बिटल के साथ लैंडर और रोवर तीन चीज़ें वहाँ पे लॉन्च की थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि ऑर्बिटल तो अपनी जो स्टेट है वहाँ पे फिक्स हो गया था, यानी कि मून के चारों ओर वो ऑर्बिटल ऑर्बिट करने लग गया था। बट जैसे ही जो हमारा रोवर था, आई थिंक उसका नाम विक्रम था, तो वो जो रोवर पहुँचने वाला था मून के सरफेस पे, उससे पहले ही उसे हमारा कम्युनिकेशन लॉस हुआ और वो कहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो इस मिशन के अंदर, चंद्रयान 3 के अंदर, बेसिकली हम ऑर्बिटल को नहीं भेज रहे, इसमें एक पेलोड है, पेलोड और रोवर पेलोड है, ठीक है। पेलोड मतलब एक लैंडर होता है, लैंडर के अंदर जो है रोवर होगा वो मून की सरफेस पे जाके उतरेगा। आप उसको आराम से देख सकते हैं, मतलब इस तरीके से हमारे पास एक लैंडर है। लैंडर का मतलब एक चार उस पर पहिए, क्या है यहाँ पे, फोर लेग्स है, और उस पर सस्पेंशंस लगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं ताकि सेफली लैंड कर पाए वो, और उसके अंदर रोवर है। तो जैसे ही हमारा लैंडर मून के सरफेस पे बहुत कंफर्टेबली लैंड कर जाएगा, उसके बाद वहाँ से रोवर जो है उसके अंदर से बाहर निकलेगा, और जो सदर्न पोल है बेसिकली मून का, वहाँ पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च करेगा। उनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको समझना चाहिए कि हम चंद्रयान 3 क्या जा रहा है, मतलब, ठीक है। ऑर्बिटल जो पहले हमने चंद्रयान 2 में ऑर्बिटल भेजा था, वही ऑर्बिटल 2 ही यहाँ पर काम करेगा। अलग से इसके साथ ऑर्बिटल नहीं भेजा जा रहा है, बात ध्यान रखिए। ऑर्बिटल इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल है ऑलरेडी वो ही काम करेगा हमारा, ठीक है। तो इस मिशन के अंदर बेसिकली बहुत सारा पूरा जो पेलोड वगैरह होने के बाद फाइनली जो बचेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास। अगर आप इसकी गैलरी में जाओगे, फोटो गैलरी में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये पूरा चंद्रयान 3 का डिज़ाइन है, ठीक है। इसको LVM3 से लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च व्हीकल है बेसिकली, लॉन्च व्हीकल वापस आ जाएगा कुछ देर के बाद। अब देखो इस तरीके से ये कुछ दिन तक अर्थ के सैटेलाइट में, अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन करेगा, फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा, मून की सरफेस पे पहुँच जाएगा, और वहाँ पर धीरे धीरे इनर सरफेस की ओर आते रहेगा। होगा क्या, अर्थ सेंटर से ये हम प्री लॉन्च करेंगे, है ना, और क्या पहुँचेगा फाइनली, फाइनली आप देख पाओगे कि जब ये एंटर करेगा, जब ये जाएगा, ये इसका रोवर है, ये आप ऊपर देख पा रहे हो, ये इसका लैंडर है बेसिकली। इस लैंडर के अंदर आपको रोवर भी दिखेगा, ठीक है, इसके अंदर रोवर है, ये रोवर है जो कि मून की सरफेस पर निकलेगा बाहर, और वहाँ पे जाके जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें हेल्प करेगा हमारी, ओके। तो फाइनली मून पे ये पहुँचने वाला है, ये दो चीज़ें पहुँचने वाली, एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा और इसके अंदर रोवर, दो चीज़ें पहुँचेगी, लैंडर और रोवर पहुँचेगी। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो उसके अंदर यूज की गई है, ये सारा हिस्सा जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे, देखिए फाइनली जो मून की सरफेस पर जाएगा ये अंदर वाला हिस्सा जाएगा बस, और बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। तो किस तरीके से ये लॉन्च होगा, देखिए यहाँ से लॉन्च हुआ, यहाँ पे इसके सेपरेशन हो जाएगा जो इसके साइड व्हीकल्स है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो एक एक पार्ट है वो यहाँ पे सेपरेट होते रहेंगे, और फाइनली जो लैंडर है और उसके अंदर जो रोवर है वो हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, मून की सरफेस पे पहुँच जाएगा। आई होप ये डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या चीज़ें हैं, देखो एक तो लैंडर पेलोड है चंद्रयान के सरफेस पे, है ना, चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ये इसके अंदर ये चीज़ें लगी हैं, मतलब फॉर मेजरिंग द सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट। ये सारी चीज़ें आपको लैंडर से पता चलेगी। रोवर के अंदर क्या है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर ड्राइविंग द एलिमेंट कंपोजिशन इन द विकिनिटी ऑफ लैंडिंग साइट। मतलब बेसिकली ये वहाँ पे जाके एक तो पानी के बारे में पता करेगा, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में जो वहाँ पे पानी है मून की सरफेस पे, और दूसरा वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मटेरियल हैं उनके बारे में ये पता लगा के हमें भेजेगा। तो चंद्रयान 3 में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो लैंडर, एक है उसके साथ रोवर। स्पेसिफिकली क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा चंद्रयान 3 का, कि पहले तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि सही तरीके से हमारा लैंडर सेफली जो है मून की सरफेस पे लैंड करे, फिर उसे सेफ तरीके से जो रोवर है वो बाहर रोव करे, मतलब मून के सरफेस पे, और जो भी इनसाइट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उनको कंडक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज़ें आप इसरो की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो बच्चों, है ना, या एवरीवन जो भी वीडियो लेक्चर को देख रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे लैंडर पेलोड के अंदर, क्या है पेलोड मतलब मास, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो उसके अंदर भार है वो पेलोड है हमारा। तो लैंडर क्या क्या काम करेगा, लैंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रेडियो
एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। ये है सबसे पहली चीज़। ये किस लिए काम आएगा? इसको हम LP शॉर्ट में कह रहे हैं, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा, यानी कि मून के सरफेस पे जो आयन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनका चार्ज है, एंड इट्स चार्ज विद टाइम, इट्स चेंज विद टाइम, सॉरी। ये चीज़ मेजर करने के लिए हमारा लैंडर के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट फिट किया गया है। दूसरा, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी ऑन द लूनर सरफेस। लूनर मतलब मून के सरफेस पे, नियर पोलर रीजन, तो पोलर रीजन पे किस तरीके का वहाँ पे टेम्परेचर है, थर्मल प्रॉपर्टीज है, उसको मेजर करने के लिए हमने ये वाले डिवाइस लैंडर के अंदर है। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिसिटी एक्टिविटी, सिस्मिसिटी आप जानते हो, ठीक है, भूकंप जो वहाँ पर आ रहा है, टू मेजर द सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट, कि वहाँ पे किस तरीके का भूचाल है ज़मीन के अंदर, वो चीज़ें मेजर करेगा। लूनर क्रस्ट एंड मेंटली, ओके। और चौथी चीज़ जो इस पेलोड के अंदर लगी है, यानी कि लैंडर के अंदर, वो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगा हुआ है। इट इज अ पैसिव एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ मून सिस्टम, मतलब मून पे किस तरीके से चीज़ें बदलती है उसको समझने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट आपके लैंडर के अंदर है, ठीक है। अब मून के सरफेस पे लैंडर धीरे से क्या करेगा, इस तरीके से लैंड करेगा और उसके अंदर से खुल के गेट खुलेगा, खिड़की से बाहर आएगा हमारा रोवर। तो रोवर क्या करेगा, कुछ टायर लगे उसमें, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, तो बाहर आएगा रोवर। तो रोवर के अंदर दो चीज़ें आप देख पा रहे होगे, क्या क्या लगी है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करेगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है लिखा, ये क्या करेगा कि क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव एलिमेंट एनालिसिस। सो कंपोजिशन जो है, मतलब मून का जो सरफेस है वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है जिससे वो बना हुआ है, उस चीज़ के बारे में ये आपको स्टडी करके बताएगा, ठीक है। दूसरा इसमें लगा हुआ है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। ये क्या पता चलेगा, ये एलिमेंट के कंपोजिशन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकम, ठीक है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, आयरन ऑफ लूनर सॉइल एंड रॉक अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट, यानी कि इन चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। तो ये पूरी डिटेल है कि क्या चंद्रयान 3 से होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आप देख पा रहे हो बहुत सुंदर सा बना हुआ है, ये लैंडर है, उसके अंदर प्रोपोजिशन है ना, ये इसके चार पैर है, सस्पेंशंस लगे हैं नीचे से, तो बेसिकली ये लैंड करने वाला है, लैंडर मॉड्यूल जो है ये लैंड करने वाला है। और रोवर अगर यहाँ पे कहीं दिखा रखा है, ये उसके अंदर जो है वो रोवर है, मतलब एक गाड़ी तरीके की आप देख पा रहे होंगे, ये जो है बेसिकली कंट्रोल होगा, जो हेडक्वार्टर है इसरो का वहाँ से। और बहुत ही प्रेस्टिजियस मिशन है भारत के लिए, आप मान के चलिए, अभी तक पूरी दुनिया इस चीज़ के पीछे लगी है और भारत ये पहले करने जा रहा है। होप सो ये हमारा जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल मिशन हो, ठीक है। देखो चंद्रयान 2 भी कुछ हद तक सक्सेसफुल था, बस उसका रोवर नहीं पहुंचा था जो है मून के सरफेस पे, उससे कनेक्शन लॉस हो गया था। तो इस बार हम आशा करते हैं कि ये पूरी तरीके से पहुंचेगा। तो अपने जो भी सुझाव है, अपनी जो भी कमेंट है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।